एक बात मैं सब में कॉमन देख रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं है, चाहे वो पढ़ता हो चाहे वो नहीं पढ़ता हो, ऐसा कोई नहीं है जो इंग्लिश बोलने की इच्छा नहीं रखता है। और आपके सपनों को मैं साकार कर रहा हूं, यानी अब आप अंग्रेजी आसानी से बोल सकते हैं। लेकिन जैसे कह रहा हूं वैसे कर कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ स्टाइल है जो आपको अपने अंदर रखना है, और धीरे धीरे आउटपुट निकलना शुरू हो जाएगा। जैसा मैं करता हूं मेरे साथ आपको नकल करना, इमिटेट करना है। जब नकल करना शुरू करोगे अंग्रेजी आसान हो जाएगा। जैसे मैं पूछ रहा हूं तुम कितना पानी पीते हो, तुम कितना फल खाते हो, तुम कितना रोटी खाते हो, तुम कितना कहां तक जाओगे, ये सब वर्ड जो है, अगर हाउ मेनी, तुम कितने अंडे खा सकते हो, तुम कितने दूर तक जा सकते हो, तुम कितना, मतलब कहने का तुम कितना दूध पी सकते हो, अगर ये बोलना हो और हाउ मच और हाउ मेनी का प्रयोग नहीं आता है तो कैसे अंग्रेजी बोल पाओगे आप। तो आपके लिए ना एक एक शब्द चुन कर ला रहा हूं, ईट का प्रयोग, देयर का प्रयोग, हाउ मच का, हाउ मेनी का, ताकि आपको बोलने में, लिखने में, कॉमन एरर्स में कहीं भी इंग्लिश की कोई छोटी समस्या भी आपसे ना हो पाए। तो तैयार हैं आप सब, चलिए फटाफट बिल्कुल बैठ जाना है आराम से क्लासरूम की तरह और पढ़ने का फील करना है मेरे साथ। देखिए बहुत ही कॉमन वर्ड लिखा हमने यहाँ पे, आप देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने लिखा यहाँ पे वर्ड है हाउ मच, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हमने, हाउ मेनी और हाउ मच। यहां पे एक एक शब्द सीखिएगा मेरे साथ, क्या कह रहे हैं। अब यहां वर्ड है हाउ मच और हाउ मेनी, देखिएगा यहां पे क्या लिखा, हाउ मेनी, और यहां लिख दिया हमने हाउ मच, हाउ मच और हाउ मेनी। अब अंतर क्या है तो ध्यान देना, मेनी जो एक ऐसा वर्ड है ना, मेनी एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल के लिए आता है। मेरा कुछ बात ध्यान रखिएगा, मेनी एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल के साथ आता है। काउंटेबल क्या हो गया सर, तो काउंटेबल गिनती करने वाला, जिसको तुम गिन सकते हो ना, उसके साथ हाउ मेनी का प्रयोग करना, जिसको तुम गिन सकते हो, जैसे कितने अंडे, कितने फल, है ना, तो जो चीज गिन सकते हो कितना, तो काउंटिंग में जो होगा ना वहां मेनी का, हाउ मेनी का प्रयोग करना। और काउंटेबल में होना चाहिए क्या, प्लूरल होना चाहिए, यानी हाउ मेनी बॉय नहीं, हाउ मेनी बॉयज। जब खुद कल्पना करो कि हाउ मेनी बॉयज होगा तो इन सब के साथ जो वर्ब लगेगा ना वह भी लगेगा प्लूरल। ये बात तो आपके दिमाग में चला गया होगा ना, अच्छी बात, सब प्रैक्टिस करवाऊंगा, चिंता ना करो। हाउ मच, ये जो मच वर्ड है ना, याद कर लो अभी ही, प्रैक्टिस अभी कराऊंगा एक सेकंड के अंदर, चिंता नहीं करना है। ये जो मच है ना, ये मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, कितना पानी, कितना दूध, कितना मिल्क, वो अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं भाई, तो अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग करते हैं मच का। तो मच आजीवन होगा सिंगुलर, आजीवन होगा सिंगुलर, कभी प्लूरल नहीं होगा। तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर। बोलो आसान लगा ना, अब प्रैक्टिस करो मेरे साथ, अब लग जाओ। देखो क्या लिखा, हाउ, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, बोलो मेरे साथ हाउ ऑफन, कितनी बार, कितनी दफा, ऑफन फ्रीक्वेंसी को शो करता है। हाउ ऑफन, ऑफ्टन नहीं पढ़ना, कितनी दफा, कितनी बार, बस याद करो। प्रैक्टिस अभी हुआ, अभी हुआ प्रैक्टिस, आप ही बताओ। आप सबने एडमिशन लिया है, लिया एडमिशन, सर एडमिशन कैसे होता है, अरे एडमिशन होता है लाल बटन दबाने से, ये लाल बटन दबा दिया, कहाँ है बटन सर, अरे ऊपर जहाँ वीडियो देख रहे हो ना, नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा ना, उसी को एडमिशन कहते हैं, आपका एडमिशन हो गया। ये जो लाइक्स वाला बटन है ना, लाइक्स दबा दिया, आपको हो गया प्रेजेंट सर, अटेंडेंस लग गया, मेरे क्लासरूम की तरह बैठो, अटेंडेंस लगा के एडमिशन लेके। और शेयर क्या होता है सर, शेयर का मतलब आप भी पढ़ो और दोस्तों को भी पढ़ाओ, शेयर करके पढ़ाइए, ताकि पूरा आप जगोगे, हिंदुस्तान तान जगेगा, मजा तभी है। अब क्या कहा, हाउ लॉन्ग, कितनी देर, कब तक, हाउ लॉन्ग, कब तक ठहरोगे, कितनी देर रुकोगे, हाउ फार, कहां तक, कितनी दूर जाओगे। अब ये वर्ड आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद करो, सेंटेंस पिरोते हैं और हाउ मच को हम जानने का प्रयास करते हैं। आपसे कोई पूछे आप कैसे हैं, हाउ का पहले देखो प्रयोग क्या है, तो आप ये तो बना दोगे, आप कैसे, हाउ आर यू होगा सर, बहुत सुंदर, इतना तो ज्ञान आपके पास है ही, हाउ आर यू सर, तो हाउ आर यू, आप तो कैसे हो, हाउ आर यू।
आर यू ओके? बहुत सुंदर, आगे देखते हैं एग्जांपल। तुम्हारे पिता कैसे हैं? कैसे, अभी मैं सिर्फ हाउ ले रहा हूं, अभी हाउ मेनी हाउ मच आएगा, वेट, इंतजार करो, सब आएगा। तुम्हारे पिता कैसे हैं? तुम्हारे पिता कैसे हैं? हाउ इज योर फादर, हर सेंटेंस डे टू डे बोलना है। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? हाउ इज योर फादर। तुम्हारी माता जी कैसी हैं? हाउ इज योर मदर। तुम्हारी बहन कैसी है? हाउ इज योर सिस्टर। तुम्हारा भाई कैसा है? हाउ इज योर ब्रदर। आगे बढ़ते जल्दी से, यहां देखें, वह मेरे बारे में कैसे जानती है? वह मेरे बारे में कैसे जानती है? हाउ डज सी नो अबाउट मी। वह तुम्हारे बारे में कैसे जानती है? हाउ डज सी नो अबाउट यू। वह उसके बारे में कैसे जानती है? हाउ डज सी नो अबाउट हिम। या इसका मतलब है ना कि वह मेरे बारे में कैसे जानती है? हाउ डज सी नो, हाउ डज सी नो, हाउ डज सी, मेरे साथ दुराते रहो, हाउ डज सी नो अबाउट, हाउ डज सी नो अबाउट मी करो, हिम करो, हर करो, देम करो, जो मन करता है, राइट? बहुत बढ़िया। आगे देखो, वह देखने में कैसे लगती है, यानी देखने में कैसी लगती भी कह सकते हैं, तो देखने में कैसी लगती है, हाउ डज शी लुक लाइक, हाउ डज शी लुक लाइक, पहले भी दिया था लुक लाइक, तो हाउ डज शी लुक लाइक, यहां पर संदेश दिया सिंपल सिंपल जो आपको आता होगा, वह कितनी खूबसूरत है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, तो यह संदेश आपको आता है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वह कितनी खूबसूरत है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। अब यहां तक समझ में हम लोगों को आ गया। अब कहने का मतलब है कि हाउ क्या है वो जानने का प्रयास करिए। तो हाउ कितना, कितनी, कितने का सेंस होता है, तो हाउ के साथ अगर यहां पर मेनी जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, मेनी, जैसा कि पढ़ाया हमने हाउ मेनी, तो हाउ मेनी क्या है भाई, तो यह काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी कितना कितनी का, आप यहां पे चाहो तो लिख लेना हाउ मेनी। ध्यान दें बेटा, क्या कहा, हाउ मेनी का प्रयोग कहां कहा था, काउंटेबल नाउन के साथ, पहले बोला था वीडियो का स्टार्टिंग में। अभी तक लाइक नहीं किया ना तो करो जल्दी, सब्सक्राइब नहीं किया तो करके आगे बढ़ो, क्योंकि आप सबको डेली आ रहा हूं, डेली रात को 9 बजे और सुबह 7 बजे आपको वीडियो मिस नहीं करना है, कंप्लीट क्लास करना है। अगर सीखना चाहते हो तो मैं एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं, आपको कमेंट करते रहना है, जितना बेहतरीन, जहां भी डाउट हो कमेंट करो, बात करना चाहते हो ना तो मैं आपसे बात करूंगा, आप व्हाट्सएप जो नंबर दिया, जो नंबर चल रहा है व्हाट्सएप नंबर है, अपना नंबर व्हाट्सएप करना, आपको जैसे भी हो, धर्मेंद्र सर आपके साथ जुड़े हैं सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं, सिखाने के लिए, दिमाग में सीधा डाल दूंगा। यहां देखो काउंटेबल के साथ प्रयोग किया जाता है, हाउ मेनी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, क्या कहा, हाउ मेनी के बाद प्लूरल नाउन, क्या कहा देखो, प्लूरल नाउन, यानी हाउ मेनी बॉय नहीं, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी एक्स, आएगा इसके बाद नाउन का प्रयोग अवश्य होगा, यानी इसके बाद नाउन का प्रयोग अवश्य होगा, और वर्ब भी लगेगा प्लूरल, यानी इसके साथ जो वर्ब होगा ना वह भी लगेगा प्लूरल, ये हमने स्टार्टिंग में ही बताया था। अब जा करते हैं प्रैक्टिस, आप कितने अंडे एक दिन में खा सकते हैं मेरे साथ दोहराना है, कितने अंडे, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आपका टास्क क्या है, आप जैसा सेंटेंस बना रहा हूं ऐसे ही 10 सेंटेंस, हाउ मेनी से 10 सेंटेंस आपको बना के कमेंट करना है, आपका कमेंट पढ़ूंगा, आपको 10 सेंटेंस। अगर सीखना चाहते हो ना तो अपने दिल पे हाथ रखो कि सर जितना करा रहे हैं क्या सीख जाऊंगा, 100% गारंटी लेता हूं, हर दिन अगर रात को 9 बजे आते हो मेरे साथ तो गारंटीड है, आप क्लास 6 में पढ़ते हो तो, या क्लास 10th में हो तो, क्लास ग्रेजुएट हो तो, आप किसी भी क्लास में किसी भी उम्र के हो, आपको सिखाकर छोड़ूंगा, बशर्ते जो कहता हूं बस उतना ही करना है। वह कितने अंडे एक दिन में खा सकते हैं, आप कितने, हाउ मेनी एग्स कैन यू ईट, हाउ मेनी एग्स कैन यू ईट, तो हाउ मेनी के बाद देखो एग है कि एग्स है, एग्स है ना, अब कैन तो चलो मॉडल से कोई बात नहीं। वह कितनी भाषाएं जानती है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज सी नो, यानी हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज सी नो, सी के साथ डज लगा तो हाउ मेनी लैंग्वेज डज सी नो, कितने लोग कल आएंगे, हाउ मेनी पीपल विल कम टुमारो, हाउ मेनी पीपल, तो बहुत सारे लोग हो गए तो पीपल है प्लूरल, देख रहे हो गौर से, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, तो हाउ मेनी के साथ यहाँ पे डेज का, डे का प्रयोग नहीं करेंगे, हाउ मेनी डेज, ठीक है, यहां तक काम ने किया, इसको दुराना है, how many eggs, how many eggs, ठीक है, दुराते रहना है तो आप क्लियर होगा। अब इसके साथ देखिए how much, पहले समझिए गौर से, how much का प्रयोग कहां करते हैं, तो इसका भी हिंदी होता है कितना, कितनी, कितने, लेकिन अभी जस्ट कहा था 2 मिनट पहले कि how much एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी how much कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, how much के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है,
प्लूरल कभी नहीं, हाउ मच वाटर, वाटर्स नहीं। जब किसी की कीमत बतानी हो तो इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं भी हो सकता है। कीमत बतानी हो, किसी का 10 रुपया है, 5 रुपया है, तो नाउन नहीं भी आ सकता है, इसको भी ध्यान रखना। अब इसके साथ एग्जाम्पल मेरे साथ दोहराना, उसे कितने पैसे की जरूरत है, उसे कितने पैसे। अब पैसा वर्ड क्या है भाई, तो मनी वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल है, तो यहां क्या बोलेंगे, हाउ मच मनी डज सी नीड। हाउ, बोलो मेरे साथ, हाउ मच मनी डज सी नीड, हाउ मच मनी डज सी नीड। गिलास में कितना पानी है, हाउ मच वाटर इज देयर इन अ ग्लास, हाउ मच वाटर देयर इन द ग्लास, हाउ मच वाटर देयर इन द ग्लास, हाउ मच वाटर इज देयर इन द ग्लास। ठीक है, इसकी कीमत कितनी है। अब देखो, हाउ मच डज इट कॉस्ट, अब यहां पे नाउन नहीं आया, तो हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी कितनी कीमत है, तो हाउ मच डज इट कॉस्ट, तो इट किसके लिए आया है, इसकी के लिए है, तो हाउ मच डज इट कॉस्ट। तुम्हारे पिताजी कितना कमाते हैं, हाउ मच डज योर फादर अर्न, हाउ मच डज योर फादर अर्न, तुम्हें दुरा रहे हो ना, तो हाउ मच डज योर फादर अर्न। कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है वो समझिए, कुल मिलाकर आपको ध्यान ये रखना है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि आपको ध्यान ये देना है कि हाउ मच हो या हाउ मेनी हो, दो बात मेरा ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे क्या लिखा, हाउ मेनी, ध्यान दीजिएगा बेटा, और यहाँ पे क्या लिखा, हाउ मच, हाउ मच। ये ध्यान एक लाइन में रखना कि हाउ मेनी अगर हो, हाउ मेनी अगर हो, तो वहां पे नाउन जो होता है ये प्लूरल होता है, और जो वर्ब होता है वह भी प्लूरल होता है। ये ध्यान, एक लाइन ध्यान रखना है। और जो हाउ मच है, हाउ मच है, इसके बाद जो नाउन होता है, नाउन वो होता है सिंगुलर, और प्लस जो वर्ब होता है वह भी होता है सिंगुलर। यानी कि हाउ मेनी एक्स कैन यू ईट, हाउ मेनी एक्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर, है ना। तो हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, तो हाउ मच वाटर, कितना पानी। तो ये दोनों का हिंदी होता है कितना, ये दोनों का हिंदी होता है कितना। अब कितना पानी है तो हाउ मच का प्रयोग करना, कितने लोग हैं तो हाउ मेनी का प्रयोग करना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कितने लोग, कितने अंडे, कितना कलम चाहिए, तो कितना कलम, तो क्या हो गया, काउंटेबल और प्लूरल, तो हाउ मेनी पेन्स, है ना। यहाँ पे हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क, अब ये दोनों का प्रयोग करके ना आप कम से कम ना 5 इससे और 5 इससे, आपका यही टास्क रहा, 5 5 सेंटेंस आपको बनाकर कहाँ करना है, इसी में नीचे कमेंट करना है। यानी कमेंट करोगे तो मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा, और पढ़ करके फिर मैं आपको जवाब दूंगा, और एक एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ, हर बच्चों का देखता हूँ आप क्या कमेंट करते हो। राइट, कल मिलते हैं आपसे फिर ठीक 9 बजे आपके साथ, आपके लिए। पढ़ते रहना, बस पीछे मत हटना, छोड़ना मत, सिखा करके छोड़ूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। DSL की स्थापना धर्मेंद्र सर ने सन 2012 में की थी। धर्मेंद्र सर, जो कि इंग्लिश एजुकेशन में एक प्रसिद्ध जाना माना नाम है।